मैं जगदीश राणा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जम्मू एंड कश्मीर। तो मुझे दायित्व दिया गया है अर्जुन सिंह प्रधान जी ने, मुझे प्रभारी बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट डोडा रामबन एंड किश्तवाड़ का। तो हमारी करनी सेना जो है, करनी सेना का एक हमारा वो है। पहले राणा जी मुझे ये बताइए कि करनी सेना जम्मू कश्मीर में लाने का आप लोगों का मकसद क्या था, क्योंकि मैंने सुना है कि बाहर बहुत सी स्टेटों में करनी सेना जो सक्रिय है, जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली, हर जगह। तो जम्मू कश्मीर में आपकी टीम ने जो करनी सेना जहां गठित किया, आपका मेन मकसद क्या था कि हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना को भी जम्मू में गठित करेंगे? ऐसा था, हमारी जो राष्ट्रीय करनी सेना है ये इसलिए गठन हुई है कि हमारा मकसद ये नहीं कि वोट बटोरना नहीं है। हमारे लास्ट शोर पे जो गरीब बैठा है उस तक हमारी नगाह है। हम देखते हैं जो पिछड़े वर्ग हैं या तो जो सरकारें हैं, हमारी कोई सरकार नहीं, हमारी सब सरकारें वो सरकारें हमारी अच्छी है जो अच्छे काम करेगी, हम उसके हित में हैं। कि जैसे अभी ही हाल ही में आप देख रहे हैं डेली वेजर 119 दिन हो गए हड़ताल पर बैठे और प्रशासन कानून में उंगलियाँ दबा के बैठा हुआ है। इससे पहले भी राष्ट्रीय करनी सेना हमारे महाराजा हरि सिंह जी की जो छुट्टी थी उसके लिए बहुत जद्दोजहद 10 साल से पीछे से चल रही थी। यहाँ तक के महाराजा के खानदान के श्री डॉक्टर कर्म सिंह जी भी कर्म का उसमें रहे, कांग्रेस में शुरुआत एमपी रहे, हमारे चुनके गए दिल्ली गए, राज्यसभा के मेंबर रहे, वहाँ से भी उन्होंने नहीं किया। मगर जब हमारी करनी सेना बीच में कूदी उसमें, तो ये हमारी राष्ट्र की आवाज़ है, ये राष्ट्रीय करनी सेना। ये नहीं कि हम जम्मू कश्मीर में सीमित हैं, हमारी 22 स्टेटों में ये करनी सेना है। तो इसलिए हम इस समय डेली वेजर के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं। मगर आज की डेट में हमने जब हमने देखा 119 दिन से औपचारिक जद्दोजहद कर रहे हैं और उनको मैंने सुना सैलरी 72 महीने की सैलरी पीछे बकाया है पिछली, वो नहीं दे रहे हैं। राणा जी मैंने आज देखा है कि एक राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपकी टीम ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि हम जहां से लखनपुर तक पैदल मार्च करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर प्रशासन नहीं हिला तो उसके बाद हम दिल्ली भी कूच करेंगे और पैदल ही करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है। आज के दिन हम उनके साथ गए, वहाँ पूरा हमारा वो आश्वासन था, हमारे सब समर्थक हमारे कम से कम इस वक्त आज की डेट में हम 50-60 मेंबर थे, हमारे मैन चुने मेंबर जो कि जाने के लिए बिल्कुल बैग वगूर सब कपड़े तैयार थे। हमने यहाँ से यात्रा करनी थी, दिल्ली के लिए कूच हो रहे थे, दिल्ली जंतर मंतर पे हमने धरना देना था। मगर इस समय कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से बातें चल रही हैं, उनके जो नेता हैं वो गए हुए हैं, तो उसके बीच में हम इसलिए चुप रहे। उन्होंने कहा कि एक दो दिन वेट कीजिए, यदि हमारी आपकी जरूरत पड़ी तो हम तुरंत आपको फ़ोन करेंगे। इसलिए हमारी राष्ट्रीय सेना हर जगह, यही नहीं सीमित है हमारी। अच्छा राणा जी, जैसे आज आपने देखा होगा कि डेली विजर की जो एक टीम गठित की हुई है डेली विजर वाले ने, आपने जो 5 मेंबर हैं, वो 5 मेंबरीय जो टीम थी आज एलजी साहब के पास मीटिंग में थी, डिपकाम साथ में थे, डीसी साथ में थे। अगर उनका कोई अच्छा फैसला आता है तो आपको भी खुशी होगी, अगर अच्छा फैसला नहीं आता फिर उसके आगे आपकी कार्रवाई क्या होगी? हमारी कार्रवाई ऐसी है, हम फिर यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली कूच करेंगे। हम जाकर यहाँ से पैदल यात्रा हमारी चलेगी और यहाँ से चलते लखनपुर तक, लखनपुर से आगे जैसे जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट आएंगे, पंजाब में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ वहाँ हमारा प्रदर्शन होगा और आगे और शामिल होंगे, हज़ारों की तादाद में हम दिल्ली जाएंगे। ये नहीं कि हमारी राष्ट्रीय सेना यहीं सीमित है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, राष्ट्र की सेना है। इसमें जितने भी राजपूत भाईचारा है, भाईचारा कमेटी एक बनाई हुई है जिसमें मैं आपके माध्यम से मैं ये पूरे जम्मू कश्मीर को सुनाना चाहता हूँ, पूरे देश को सुनाना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रीय भाईचारा इसमें शामिल किया है, इसमें हर जाति के जितनी जातियाँ 36 जातियाँ हमारी, सब सनातन धर्मी सब इसमें शामिल हो सकते हैं, हमने शामिल किए हैं।
अच्छा जो राष्ट्रीय श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, राणा जी मुझे ये बताइए कि जम्मू में जैसे आप डेली वेजर वालों का इशू है, इससे पहले छुट्टी वालों का इशू था, तो क्या अगर किसी स्टेट में कोई ऐसी बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो क्या आपकी जो सेंट्रल टीम है या जो आप बता रहे हैं कि 22 स्टेटों में हमारी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है और भाईचारा कमेटियां बने, क्या जी सब आपकी मदद के लिए दूसरी स्टेट एक दूसरे स्टेट में जाते हैं? बिल्कुल, यही इसीलिए तो राष्ट्रीय करनी सेना, राष्ट्र का नाम ही इसलिए दिया गया है, राष्ट्र के किसी कोने में यहाँ से आसाम में यदि कुछ हो तो यहाँ से चुनिंदा हमारे मेंबर यहाँ से जाने के लिए मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है हमारे वोट बैंक की राजनीति नहीं है, हम निस्वार्थ काम करते हैं, हमें कोई स्वार्थ नहीं, हमें यही स्वार्थ है कि गरीब तक गरीब का लाभ गरीब को पहुंचे। अच्छा राणा जी ये बताइए, जो मैं देखा बहुत से आपके कर्नी सैनिक जो ए रेड कैप पहने हुए थे, इसका क्या क्या फंडा है, ये क्या मकसद है आपका ये कैप पहनने का? ये कैप ये एक कमांडो को कैप होती है, जैसे कमांडो फौज में चुने जाते चुनिंदा आदमी होते हैं तो मरने मिटने के लिए तैयार रहते हैं हर जगह, तो इसी तरह हमारी भी एक फोर्स है, ये हमारा चिन्ह है कि जहाँ भी हम आवाज़ करेंगे वो कहते हैं ना। आपका कहने का मतलब है कि जिस कैब जो आपकी पहचान है, अगर 100 बंदा कहीं पे इकट्ठा हुआ है तो 10 कैब वाले होंगे तो आपको पता चल जाएगा ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के करनी सेना का सैनिक है ना। और जे थे हमारे साथ जगदीश राणा जी, जिनके साथ हमारी बात वार्ता हुई है, जिन्होंने बताया कि डेली वेजर वालों के साथ अगर इंसाफ नहीं होगा, जैसे जी आप पूरा अपना ताम दाम लेके अपने बैग शैग लेके डेली का जूस मान लेके निकले थे और आज इन्होंने लखनपुर तक जो पैदल यात्रा करनी थी, लेकिन जो उनकी 5 मेंबरों की कमेटी है उन्होंने आके बताया कि आप कुछ दिन रुक जाओ, और अभी राणा जी बता रहे हैं कि अगर 4-5 दिन में इनका फैसला नहीं होता दिवाली के आसपास तो करनी सेना कभी भी दिल्ली को कूच कर सकती है। आपका बड़ा शुक्रिया राणा जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका बड़ा